हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले स्मार्ट लाइट एंड साउंड मशीन के बारे में, जो कि एक amazon.in के ऊपर आप अगर सिर्फ सर्च करते हो जी स्मार्ट लैंप तो आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगी, तो आप वहां से भी इसको परचेस कर सकते हो। करंटली उसकी जो प्राइस है वो amazon.in के ऊपर 7000 रुपीज है। और इसके अलावा एक दूसरा मॉड्यूल है जो डिफरेंट है इससे काफी, वो उसकी साइज भी थोड़ी छोटी है, वो आपको अराउंड 5000 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। लेकिन जो ए मॉड्यूल है इसके बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले, तो जल्दी से बिना टाइम गवाए पहला यहाँ पे इसके अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद इसके फीचर्स एंड रिव्यू वगैरह करके देख लेते कि भाई वर्थ इट है या फिर नहीं। तो बिना टाइम गवाए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। बॉक्स पैकिंग के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पे स्मार्ट लाइट एंड साउंड मशीन दोनों लिखा है। साइड वाले पार्ट के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पे आपको जो QR कोड है उसको आपको स्कैन करके यहाँ पे इसकी जो हैप्पी लाइट करके इसकी एप्लीकेशन आएगी, गूगल प्ले स्टोर वगैरह पे मिल जाएगी, तो वहां से इसको डाउनलोड करना है। और उसके बाद भाई इसके पीछे वाले पार्ट के बारे में बात करें तो भाई इसके सारे फीचर्स जो है इसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसके बारे में वीडियो में हम आगे बात करने वाले। इस दूसरी साइड भी आपको यहाँ पे इसके थोड़े बहुत की फीचर्स वगैरह कुछ मिल जाते हैं। जल्दी से भाई बॉक्स को ओपन करके देख लेते कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है आपको। ओके पर ले तो भाई आपको यहाँ पे एक पावर एडेप्टर मिलता है और इसके अलावा यहाँ पे USB Type-A to Type-C चार्जिंग केबल मिलता है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर से जो हमारा मेन लैंप है वो मिल जाएगा, और इसके अलावा भाई एक यूजर मैनुअल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसको रीड करके आप हर एक स्टेप आपको इसके अंदर डिटेल में दिए गए हैं। अगर आपको इस वीडियो में से आइडिया नहीं आता है तो ये यूजर मैनुअल स्टेप बाय स्टेप आप अगर इससे चलते हो फिर भी आप इसको रन कर सकते हो। अदरवाइज भी हमारे वीडियो में आपको ऑलमोस्ट सब जानकारी तो मिल ही जाने वाली है। सब इन सबको साइड में रखते हैं और आते हैं हमारे मेन लैंप के बारे में बात करते हैं। तो ये रहा हमारा स्मार्ट लाइट एंड साउंड मशीन, मतलब कि जो जी लैंप है ये आपको यहाँ पे इस टाइप का मिल जाएगा। और ये मैंने ब्लैक वाइट वेरिएंट में परचेस किया हुआ है। और गाइज यहाँ पे आपको क्लॉक की डिस्प्ले मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे 7 डिफरेंट मोड्स बटन देखने को मिल जाता है जहाँ से आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा इसके नीचे वाले के पार्ट के ऊपर आपको 2 स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो टॉप वाला पार्ट है यहाँ पे अपना अगर डिवाइस मतलब आपका स्मार्टफोन है वो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो आप अपना स्मार्टफोन यहाँ पे रखते हो तो ये ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा। जो आपकी स्मार्ट वॉच है वो भी अगर वायरलेस सपोर्ट करते हैं ये भी हो जाएगा। और इसके अलावा ईयरबड्स वो आपको वायरलेस मतलब जो आपका ईयरबड्स है वो वायरलेस चार्ज सपोर्ट करता है, तो वो भी यहाँ पे इससे चार्ज हो जाएगा। अब जल्दी से यहाँ पे इसको सेटअप करते हैं और देखते हैं कि भाई किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं और लाइटिंग वगैरह कैसी मिलती है। तो यहाँ पे इसके बैक साइड के अंदर आपको यहाँ पे ये जो टाइप सी केबल है इसको यहाँ पे आपको सिंपली अटैच करना है। देखिए शुरू हो चुका है। और हाँ, ये ब्लूटूथ सपोर्टेड है, मतलब भाई ब्लूटूथ वगैरह से भी आप इसको कनेक्ट करके भी इसका यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे इसके फंक्शन बटन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको एक पहले तो LED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो मोड का बटन है वहां से आपको यहाँ पे क्लॉक और ब्लूटूथ मोड को सपोर्ट कर सकते हो, मतलब सेटिंग वगैरह एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, कनेक्ट वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा सेकंड वाला जो बटन है वहां से वॉल्यूम डाउन और प्रीवियस कर सकते हो सॉन्ग वगैरह को, यहाँ से वॉल्यूम अप एंड नेक्स्ट सॉन्ग के ऊपर मूव हो सकते हो। यहाँ पे आपको जो वॉच का फंक्शन दिया गया है वहां से आप क्लॉक की सेटिंग वगैरह कर सकते हो, 24 आवर्स रखना है तो वो भी रख सकते हो। अभी करंटली ये 24 आवर्स है, इसको लॉन्ग प्रेस करते हो तो ये 12 आवर्स के मुताबिक ये सेट हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे गाइस इसके अलावा जो है फिफ्थ बटन है वहां से आप अलार्म वगैरह सेटिंग कर सकते हो, और यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह भी सेट कर सकते हो। और 7 वाला जो बटन है वहां से लाइट मोड है जहाँ से आप डिफरेंट लाइट वगैरह मिल जाएगी। और हाँ, मेन पार्ट वीडियो के एंड तक देखिए आ जाएगा कि भाई इसके अंदर आपको टोटल कितनी लाइट मोड मिलने वाले हैं, जिसके बारे में मतलब एप्लीकेशन थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, तो वो भी सब भी वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगा। तो बॉक्स के ऊपर जो आपको QR कोड दिया था वो स्कैन करते ही आपको यहाँ पे इस टाइप की एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी हैप्पी लाइटनिंग करके। जैसे ही आप इसको ऑन करते हो तो डायरेक्टली पहले तो आपको ब्लूटूथ को ऑन करने की परमिशन देगा। और इसके अलावा भाई आपको यहाँ पे देखिए कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ से जाके आप यहाँ पे माई डिवाइस के ऊपर जाइए, देखिए ड्रीम 96F8 लिखा हुआ होगा, उसको एक बार टच करोगे तो कनेक्ट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी ये कनेक्टेड है तो फिर ये ऑप्शन नहीं आया है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे इसके एडजस्टमेंट के बारे में
तो फर्स्ट जो इसका फीचर्स है वहां से आप इसको लाइट वगैरह को देखो, कोई भी लाइट वगैरह कर सकते हो, ऐसे भी टच करके आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको देखो, और यहाँ पे इसकी जो ब्राइटनेस है उसको भी आप प्लस माइनस कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट ऑलरेडी सेट किए हुए है। इसके अलावा यहाँ पे आरजीबी फीचर्स है, ब्लू, रेड, ग्रीन, वापिस से डार्क ब्लू। और इसके अलावा इसके अंदर आपको जो दो स्पीकर दिए गए हैं उस हिसाब से यहाँ पे म्यूजिक के अंदर जाके आप यहाँ पे इसे भाई कॉपीराइट ना आए इसलिए भाई म्यूजिक कॉपी थोड़े टाइम मतलब 14-15 सेकंड तक चलने दिया, उसके बाद स्टॉप कर दिया है। अभी इसके अलावा इसके अदर फीचर्स के बारे में देखे तो यहाँ से आप यहाँ पे साउंड रिकॉर्ड मतलब डिवाइस के अंदर जो माइक्रोफोन आता है उसके थ्रू भी ये रिदम कैप्चर करता है। देखिए, हेलो 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 हेलो, ऑडियो रिदम के ऊपर भी ये बीट करता है। हेलो हेलो हेलो, देखो अभी अपने फोन माइक के ऊपर आप टच करते हो, मार्क करते हो तो डायरेक्टली अपने फोन माइक में जो माइक आता है उसके थ्रू ये कर सकता है। हेलो 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 हेलो, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। और हाँ, इसके साथ आप कॉल पे बातचीत वगैरह भी कर सकते हो, कॉल के ऊपर बातचीत कर सकते हो। इसके फीचर्स के अंदर है क्योंकि इसके अंदर भी माइक को दिया गया है, और इसके अलावा यहाँ पे स्पीकर तो है ही, तो आप बातचीत वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वहां से जो मैंने बताया था कितने डिफरेंट डिफरेंट लाइट मोड मिलने वाले हैं, तो टोटल आपको यहाँ पे 256 लाइट मोड मिलने वाले हैं। देखो इस तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और हाँ यहाँ पे जो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है उसको, उसकी स्पीड को आपको इंक्रीज करना है तो यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन है। देखिए थोड़ा फास्ट हुआ, फुल कर देते हो तो देखिए कितना फास्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ब्राइटनेस का फीचर्स भी है, फुल कर दोगे तो फुल ब्राइटनेस मिलेगी, और एक कम कर दोगे तो दूसरे लाइट मोड के ऊपर जाते हैं और उसके अंदर आपका आइडिया आएगा। देखिए अभी इसकी जो ब्राइटनेस है वो मैं काफ़ी कम कर दी है, और यहाँ से हम 100% 50% पर भी करके देखें, और अभी ये 100% है। और यहाँ पे इसकी जो स्पीड है उसको हम देख लेते हैं, धीरे धीरे मतलब स्लो स्लो स्पीड मिलेगी, उससे भी स्लो हो जाएगी, और ऐसे रखते हो तो काफ़ी स्लो हो जाती है। अगर इसको आप 100% करते हो तो इतनी फास्ट मूव होने वाली है। इसी तरीके के 256 डिफरेंट डिफरेंट मोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, पे मुझे काफ़ी अच्छा फीचर्स लगा है क्योंकि भाई 256 लाइट मोड मतलब कि कुछ कम नहीं कह सकते हम, काफ़ी ज़्यादा लाइट मोड डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो फिफ्थ ऑप्शन है टाइमिंग का, वहाँ से आप यहाँ पे ऊपर की ओर स्लाइड करना है, तो जो आ गया वहाँ से आपको ऑपरेट ऑन करना है। इसी तरीके से अलार्म वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जो भी दिन आपको सेट करना है उस दिन, और यहाँ से ऑपरेट एनेबल करके ओके कर देना है टाइम वगैरह सेट करके, तो उसी टाइम पे ये ब्लिंक होने वाला है। मतलब काफ़ी अच्छे फीचर्स मुझे इसके अंदर देखने को मिले हैं। और हाँ, आई होप कि इसके जो सारे फीचर्स थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर फिर भी आपको इसका यूज करना नहीं आता है तो ये जो हमारी यूजर मैन्युअल है इसके साथ दी गई है उसको कम्प्लीटली और 100% डिटेल के अंदर आपको इसके अंदर हर एक स्टेप दिखे गए हैं, उसको रीड करके भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। अदरवाइज लाइव डेमो तो हमने करके आपको दिखाई दिया है। तो बस ये था, और इसकी जो प्राइस मैंने पहले बताई उस तरीके से amazon.in के ऊपर 7000 रुपीज सेम मॉड्यूल सेल हो रहा है, परचेस कर सकते हो, रेकमेंडेड है। बिल्ड एंड क्वालिटी काफी कमाल की है, साउंड मतलब जो इसका स्पीकर है वो भी भाई काफी अच्छी, और लाउडनेस भी काफी अच्छी मिल जाती है। और हाँ, एक टेस्ट करके देख लेते हैं, मेरा जो ये OnePlus 7T है ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन हम जैसे ही अब डिवाइस को ऊपर रखते हैं, वायरलेस चार्जिंग, अगर मेरा स्मार्टफोन है वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता होता तो अभी ये चार्ज होने लगता होगा। हाँ, ये स्मार्टफोन ही नहीं, अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है उसको भी आप रखते हो तो चार्ज हो जाएगी, ईयरबड्स है उसको भी अगर स्मार्ट मतलब जो वायरलेस सपोर्ट करता होगा वायरलेस चार्जिंग का, तो हर एक प्रोडक्ट इसके ऊपर चार्ज
हो सकेगी। मतलब ये मुझे काफी अच्छी क्वालिटी तो लगी है, और इसके अलावा भाई ब्लैक एंड व्हाइट जो मॉड्यूल है वो भी अच्छा है। इसके अलावा एक व्हाइट मॉड्यूल भी आता है वो भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन भाई मुझे पर्सनली ब्लैक कलर ज्यादा पसंद है, तो मैंने ब्लैक कलर परचेस किया हुआ था। तो ये है हमारा स्मार्ट लाइट एंड साउंड मशीन, और गाइज अगर आप इसको परचेस ही करना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंडेड कर रहा हूँ भाई, मुझे इसकी बिल्ड एंड क्वालिटी जो यहाँ पे इसके अलावा साउंड मतलब जो इसका स्पीकर वगैरह है उसकी क्वालिटी पे मुझे काफी कमाल की और लाउड भी लगी है। इसके अलावा यहाँ पे इसका जो वायरलेस का फीचर्स मिलता है वो एक मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा है ये फीचर्स। और इसके अलावा भाई यहाँ पे आपको जो 256 डिफरेंट लाइटिंग मोड मिलते हैं वो भी एक रेकमेंडेड करने की वाली बात है। अगर आपका बजट भाई 7000 रुपीज के आसपास है तो आप इसके साथ जा सकते हो, मैं आपको हाईली रेकमेंड कर रहा हूँ। इसकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है काफी कमाल की है। और इसके अलावा अमेजोन के ऊपर आप इसको सर्च कर रहे हो तो जी स्मार्ट लैंप लिखते हो तो डायरेक्टली इस प्रोडक्ट आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। करंटली इसकी प्राइस 7000 रुपीस के आसपास है, और इसके अलावा इसके से छोटी साइज भी आपको मिल जाएगी जो एक 5000 रुपीस के आसपास है। इन दोनों की लिंक, हाँ जो 5000 वाला जो लिस्टिंग है मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी जो फीचर्स वगैरह क्या है वो एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, लेकिन आई थिंक इसी तरीके से वर्क करता है, लेकिन उसकी जो साइज है वो थोड़ी छोटी है। इसके अलावा डिफरेंट कुछ फीचर्स वगैरह, इसका जो डिजाइन है वो भी थोड़ा बहुत चेंजेस वाला यहाँ पे मतलब वो 5000 रुपीस के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो फिर आप दोनों में से कोई भी परचेस तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। इसकी जो बिल्ड एंड क्वालिटी है भाई काफी कमाल की है। 7000 रुपीस अगर आपका बजट है तो आप इसको भी परचेस कर सकते हो। और इसके अलावा इन सब की जो लिंक वगैरह है और डिटेल वगैरह है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी परचेस कर सकते हो, जो कि एक अमेजोन की लिंक ही आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। तो वहां से अगर आप परचेस करते हो तो थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट मिल जाएगा, आपको तो वहां पे भी 7000 रुपीस में मिलेगा। हमारे लिंक से परचेस करोगे मतलब हमें जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए वहां पे भी आपको 7000 रुपीस में ही मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा आपको जल्दी से सर्च वगैरह करना ना पड़े तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे जो लिंक दी गई है वहां पे कॉन्टेक्ट करके भी आप इसको परचेस कर सकते हो। और बाकी सारी डिटेल कॉन्टेक्ट डिटेल वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से कॉन्टेक्ट भी आप कर सकते हो। तो बस आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आज का वीडियो भाई आपको यहाँ पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अपकमिंग न्यूली गैजेट वगैरह के रिव्यू वीडियो हमारी चैनल पे हर वक्त आते रहते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।